पहली बार तो मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी ये पावन अवसर पे गणपति बप्पा के लिए। मतलब सबकी बहुत श्रद्धा होती है और एक फेस्टिवल है यहाँ पे बॉम्बे, और हम लोग सब लोग इसमें शरीक होते हैं, तो सबको बहुत बहुत शुभकामना इसकी। और हमारी यही है कि ये सबकी, ये ऐसे गॉड है कि सबकी मुराद पूरी करते हैं। सब लोग लाते हैं इनको बहुत प्यार से अपने घर पे, और ये शुभ और शक्ति और सब सुख देने वाले देव है, तो इसलिए हम भी इसी श्रद्धा से आते हैं कि हमारा साल अच्छा रहे और हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमेशा सफलता मिलती रहे। बचपन में बस हम लोग को गणपति आते थे तो हम लोग को बहुत पता था, छोटे थे तो वो गणपति मतलब छोटे छोटे गॉड माने जाते थे, तो बहुत अच्छा खाना पीना, और हम लोग सब एक दूसरे के घर पे जाते थे, और बहुत फेस्टिवल होता था 11 डेज का बॉम्बे में, तो मैं बहुत इंजॉय करती थी। और अभी भी यही है कि एक बहुत उत्साह रहता है हमारे इसके लिए, तो मैं बहुत बहुत खुश होती हूँ और मुझे एक बहुत ही खुशी मिलती है गणपति बप्पा को यहाँ पे दर्शन करके, बहुत अच्छा आनंद मिलता है। अच्छा उधर भी हाँ, मैं यही विश मांगूंगी कि सुख शांति रहे, ये थोड़ा पॉलिटिक्स कम हो यहाँ पे। मुझे मेरे हिसाब से बहुत गलत है, हम सब एक, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, सब लोग मनाते हैं ये फेस्टिवल। आपने देखा होगा हम लोग कितने खुशी से यहाँ पे मना रहे, और यहाँ पे कोई नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि यही भाईचारा बना रहे और यहाँ पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए और देश में शांति रहे, बस मैं यही चाहती हूँ। हाँ एक्चुअली अभी मैं कुछ हिंदी प्रोजेक्ट प्लान कर रही हूँ, बहुत जल्दी आप लोग के सामने आएगा, काफ़ी अच्छा है, और आइटम सॉन्ग कर रही हूँ मैं एक अच्छी फिल्म में, तो आपके सामने बहुत ही जल्दी अनाउंस हो जाएगा। तो मे भी मेरा वो पहला प्रोजेक्ट होगा गणपति के बाद का, और उनकी कृपा होगी तो ये बहुत बड़ा सक्सेस होगा। सो हैप्पी। पापा से क्या कुछ मांगा आपने इस प्रोजेक्ट को लेकर? मैंने हम लोग तो मांगते ही रहते ना, हमारी विश बस विश पूरी करो दूसरी लाइन में आ जाती, तो यहाँ मैं बहुत, मुझे यही है कि बस गणपति बप्पा मुझे अपना आशीर्वाद दे और मैं कुछ भी करूँ उसमें सफलता मिलती जाए, बस मैं यही चाहती हूँ, और बहुत सब मैं खुश रहूँ, बस मेरी यही विश है, और सबको खुशी मिले। थैंक्स सर। मैम सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे, अंधेरी के राजा के यहाँ पर आए हैं, कहा जाता है कि यहाँ पर मन्नत जो मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सबको बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी गणपति की, और मेरा ये मानना है कि सच्चे दिल से मन्नत किसी भी दर पे आप मांगेंगे तो वो पूरी होगी, और फिर गणपति तो मुंबई के क्या पूरे जगपति हैं, जैसे अभी मैंने भजन में बोला, तो मेरी कोई मन्नत ऐसी खास है नहीं, क्योंकि हम सब मांगते हैं उनके, और बिना मांगे वो सब देने वाले, मेरा ऐसा मानना है। कोई बचपन की मेमोरी गणपति बप्पा को लेकर जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, किस तरह से मनाते थे आप बचपन में? बेसिकली मेरा ताल्लुक जो है कानपुर से है, तो वहाँ पे गणपति को इतने धूमधाम से नहीं सेलिब्रेट किया जाता है जितना कि हमारे महाराष्ट्र मुंबई में करते हैं, लेकिन फिर भी बचपन में हम घर में गणपति लाते थे, एक दिन के लिए लाएँ, और दिवाली की तरह गणपति को एक आध दिन के लिए घर में परमिशन होती थी कि हम सेलिब्रेट करें। मेरा तो मन जो करना है वो अलग है, मुझे बप्पा ने सबसे पहले बुलाया था सिद्धि विनायक, तो जिस दिन मैंने कदम रखा था आज से 4 साल पहले मुंबई, तो सिद्धि विनायक के दर्शन करने गई और फिर रेगुलर जाने लगी हूँ दर्शन करने के लिए, और ये बहुत एक खूबसूरत जगह है जहाँ आज मुझे आने का सौभाग्य मिला है। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? हाँ जी, मैं सिंगल ट्रैक से मेरा डेब्यू हो रहा है जिसका नाम रूदी फकीरी है, तो बहुत खूबसूरत सिंगल ट्रैक है ये, सूफी नंबर हिंदी पंजाबी, उम्मीद करती हूँ को मेरी ऑडियंस को अच्छा लगेगा। तो बप्पा के लिए कोई गाना डेडिकेट करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, जय गणपति गज नमो नमा, जय गणपति गज नमो नमा, जगपति जग आश्रय, जगपति जग आश्रय,
जगवंदन गणपति नमा जय गणपति गज नमो नमा जय गणपति गज नमो नमा गणपति बप्पा मोरिया विष्णु गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया बहुत शुक्रिया थैंक यू नहीं नहीं ये भी सूफी है सूफी है मेरी रूह दी फकीरी रंग ला गई मेरी रूह दी फकीरी रंग ला गई दिल विचों हुंदे होए दिल विचों हुंदे होए बुलाऊं ते आ गई आ गई मेरी रूह दी फकीरी रंग ला गई नमस्कार मैं संजीवी सकर मैं यहाँ पापा के दर्शन लेने आई हूँ उनका आशीर्वाद लेने आई हूँ और मैंने पापा से सिर्फ एक ही चीज़ मांगी है कि जो भी संकट मेरे लाइफ में आए तो मुझे बस उनका सामना करने की शक्ति दे वो और मेरा दो एल्बम भी आया है गणपति बाप्पा के लिए तो मैं दो लाइन गाना चाहूँगी वो है देवों के देव पिता जिसके महादेव आए भक्तों ने जब जब पुकारा देखो आया गणेशा देखो आया गणेशा देखो आया गणेशा देखो आया गणेशा आपने यहाँ पर गाना गाया क्या पब्लिक का रिस्पांस कैसा था गाने को लेकर सभी मुझे देख के स्माइल कर रहे हैं सभी बहुत आवाज़ सुन के उनको अच्छा लगा गणपति जी का ये जो गाना है देखो आया गणेशा बहुत ही नाचने वाला गाना है गारंटी 101% वो सुन के कोई भी आदमी हो खड़ूस भी होगा ना तो भी ना छूटेगा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट इसके अलावा कोई एल्बम प्लान मेरा फर्स्ट एल्बम अमची मुंबई था तो मैं ये सोच रही हूँ कि अगर अमची मुंबई बनाए तो अमचा देश भी बनाना चाहिए हाँ अच्छा बप्पा के पास क्या कुछ काम है आपने क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि सब सबकी मन्नतें पूरी हो जाती है अंधेरी के राजा के पास तो क्या कहना चाहेंगे आपने क्या मांगा मैंने बोला ना स्टार्टिंग में कि मैंने सिर्फ यही मांगा कि जो भी संकट मेरे लाइफ में आए उनका सामना करने की शक्ति बप्पा मुझे दे ओके थैंक यू सर थैंक यू जी क्या कहेंगे आप पापा के दरबार पे आए हो क्या मांगा कैसी कौन सी फिल्म सबसे पहले सभी सुनने वालों देखने वालों को गणपति बप्पा मोरिया और हर काम की शुरुआत गणपति जी से होती है तो मैं आशा करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी की हर खुशी की शुरुआत हर नए काम की शुरुआत गणपति बप्पा से हो जाए और वो सफल हों और मैं अंधेरीचा राजा में हर बार आती हूँ मुझे बहुत शांति मिलती यहाँ आकर के यहाँ मतलब वैसी भीड़ भड़क्का वगैरह कुछ नहीं होता आप आराम से आइए अपना शांति से दर्शन कीजिए शांति से बैठिए उनके सामने बैठने के लिए जगह बनाई हुई है जहाँ पे आप आराम से बैठ के घंटों तक आप उनसे प्रेयर कर सकते हो लेकिन बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर के तो आप भी आइए अंधेरीचा राजा और दर्शन कीजिए और मन की शांति पाइए पापा को लेकर सिर्फ ये मेमोरी है कि हमारे बाजू में एक रहते थे वो महाराष्ट्रियन थे उनके यहाँ हमेशा गणपति आते थे तो मतलब वो जैसे एक बच्चे के आने की खुशी की तैयारियां करते थे वैसे हम लोग भी उनके साथ जुड़ जाते थे कि सारी तैयारियां हो रही हैं नए नए फूल के मालाएं बना रहे हैं उनके लिए कपड़े बना रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं वैसे हम लोग वो सब तैयारियां करते थे और सबसे ज्यादा फेवरेट लगता था मुझे लड्डू और मोदक जो आज भी मुझे बहुत पसंद है मैं हमेशा बस वही खाती हूँ कि प्रसाद में मुझे लड्डू मिल जाए कहीं से मैं लड्डू खाते रहती हूँ अभी अभी एक खाकर आई हूँ सॉरी बट इट इज वेरी 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 स्वीट मेमोरी कि लड्डू और मोदक खाने मिल जाए तो और कुछ नहीं चाहिए कभी आपने कोशिश की कि
पापा के लिए प्रिपेयर करोगे? प्रिपेयर किया कभी लड्डू या मोदक बनाने की कोशिश की थी, बट इट्स वेरी टफ। जो एक्चुअल मोदक होता है, जो अंदर भर के ऊपर से जो कवर करके जो बनाना होता है, वो कभी बना नहीं मुझसे ठीक से, लेकिन ठीक है, पप्पा को कैसे भी चल जाता है, बस श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा से दिल से बना लेते हैं, बस मोदक पहुंच जाता है उनकी तरफ, शेप कैसा भी हो लेकिन पहुंच जाता है। गणपति बाप्पा मोरिया।